शांति। आज की तारीख है 26/2/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा आए हैं हमें इस अंतिम जन्म में, आगे के फिर से नए पुनर्जन्म 21 जन्मों की कमाई कराने। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। कौन सी कमाई? धन की कमाई नहीं, कर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की, पुण्य कर्मों की कमाई। प्रश्न है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर है साक्षात्कार होना। ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मुंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? समझ में कुछ नहीं आएगा और ही मुंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो बिंदु। नंबर एक बिंदु है, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। नंबर दो बिंदु है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंस का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे, हाँ तभी हम ये धारणा कर सकेंगे। और वो कौन सी बात है? न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है, न बुरा करना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वो सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। तो सभी ने गिफ्ट ली, स्वीकार की। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।